hello students good morning to all of you today i have come with my 14th lecture video which is related to gk our universe in this video in this video class i will describe about our universe में हम आवर यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर थर्टीन में हमने इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था आज हम इसी चैप्टर के रेस्ट पार्ट को पढ़ेंगे कंप्लीट करेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर में फोर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था हमने मैंने यह भी आपको बताया था कि देयर आर एट प्लानिट्स इन आवर सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में हमारे यूनिवर्स में आठ ग्रह हैं वो कौन से हैं आपको यहां लिखा हुआ बोर्ड पे मरकरी बुध वेनस शुक्र अर्थ पृथ्वी मार्स मंगल जुपिटर बृहस्पति सेटन सनी यूरेनस अरुण और नेपचुन वरुण इसको हिंदी में ये नाम दिए गए हैं और ये सीरियल क्रम में लिखा गया है सीरियल नंबर में लिखा गया है जो सूर्य से दूरी के अनुसार है सूर्य से सबसे नजदीक कौन है मरकरी है उसके सेकंड स्थान पर कौन है वेनस है उसके बाद कौन है अर्थ है उसके बाद मार्स है उसके बाद जुपिटर है उसके बाद सेटर्न है उसके बाद यूरेनस है उसके बाद नेपच्यून है यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण यह सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में लिखा गया है और आपको इसका हिंदी नाम भी हमने लिख दिया है मरकरी को हिंदी में बुध कहा जाता है भिनस को हिंदी में शुक्र कहा जाता है अर्थ को पृथ्वी कहा जाता है मार्स को मंगल कहा जाता है जुपिटर को बृहस्पति कहा जाता है सेटन को सनी कहा जाता है और यूरेनस को अरुण कहा जाता है नेपच्यून को वरुण कहा जाता है आपको आपकी सुविधा के लिए हमने लिख दिया है आप इसे नोटबुक में नोट करें और उसके बाद इसमें फोर क्वेश्चन हमने बताया था कल इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट uh, बताया था मैंने द स्मॉलेस्ट प्लानिट उसका आंसर हो मरकरी uh, सेकेंड हमने बताया था द प्लानिट अल्सो एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार उसका आंसर होगा वेनस और थर्ड नंबर पे हमने बताया था ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट वह हो गया अर्थ और फोर्थ नंबर पे हमने बताया था रेड प्लानट वह था मार्स और फाइव नंबर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे फाइव नंबर द लार्जेस्ट प्लानिट फाइव नंबर में हम क्या पढ़ रहे हैं द लार्जेस्ट प्लानिट यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है द लार्जेस्ट प्लानट यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है उसका क्या नाम है जुपीटर क्या नाम है स्टूडेंट जुपिटर जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लान ऑफ द सोलर सिस्टम सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर को कहा जाता है ओके उसके बाद में हम सिक्स नंबर देखेंगे सिक्स नंबर पे क्या है हमारा सिक्स नंबर सबसे लास्ट में दिया हुआ वनली प्लानेट हिच हैज ब्यूटीफुल रिंग्स आप इसे नोटबुक में नोट करते चले फाइव नंबर लिख के क्वेश्चन और उसके सामने उसके नीचे आंसर लिखे जुपीटर और सिक्स नंबर द वनली प्लानेट हिच हैज ब्यूटीफुल रिंग्स यह एकमात्र एक, एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ से वलय बना हुआ है रिंग बना हुआ है और वह कौन सा ग्रह है प्लानिट है वह है सेटर्न क्या है सेटर्न सिक्स नंबर पे कौन सा है सेटर्न सिक्स नंबर पर सेटर्न है हम एक बार फिर से बता दें कि यह जो नंबर दिया गया है यह सूर्य से दूरी के क्रम में दिया गया है आप उसे उसी क्रम में अपने नोटबुक में नोट करें और याद करते चलें इससे मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको बोर्ड बोर्ड पे दिखा दूंगा आप उसे नोट कर लेंगे और सेवन नंबर पे दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड कहा जा रहा है यह कौन सा है यह है यूरेनस क्या नाम है इसका यूरेनस यह एक ऐसा मात्र ग्रह है यह मात्र एक ऐसा ग्रह है इसका नाम है यूरेनस जो जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है जबकि बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं यहाँ पर सूर्योदय पूर्व की ओर होता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है हम किस प्लानिट के बारे में बता रहे हैं आपको यूरेनस के बारे में लिखा गया है कि ओनली प्लानट दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड इसी प्लानिट के बारे में हम बताते हैं यूरेनस के बारे में ओके तो सेवन नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके नीचे आंसर लिखिए यूरेनस उसके बाद आप एट नंबर पे देखेंगे एट नंबर पे द फारदेस्ट प्लान ऑल्सो नोन एज वाइंडी प्लानट कहा जा रहा है कि फार एफ आर फारदेस्ट कहा गया है मतलब दूरी यह सबसे दूर पर यह प्लानट है यह इस प्लान का क्या नाम है इसे वाइंडी प्लान भी कहा जाता है इसका नाम है नेप्स्यून क्या नाम है नेप्सीून इसे वरुण कहा जाता है क्या कहा जाता है वरुण हिंदी में इसे वरुण कहा जाता है नेप्च्यून है और इसी चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्वार्फ ड्वार स्टूडेंट ड्वार्फ डी डब्ल्यू आर एफ ड्वार्फ मीन्स होता है बाउना ड्वार्फ मीन्स क्या होता है बाउना डलानिट तो मीन्स होता है वैसे प्लानिट जो आकार में बहुत छोटे हैं उसे ड्वार्फ प्लानट्स कहा जाता है ओके तो बिसाइड्स दिज एट प्लैनेट्स, देर आर फाइव ड्वार्फ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हमारे सौर मंडल में पाँच ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं जिसे बौना ग्रह कहा जाता है ये हैं दे आर एक नंबर में प्लूटो सेकेंड नंबर में एरिस ई आर आई एस सेकेंड नंबर में एरिस थर्ड नंबर में मेक मेक एम ए के ई एम ए के मेकमेक नाम है इसका और फोर्थ नंबर में होमिया एच ए यू एम ई ए होमिया और फाइव नंबर में क्या है सिरेस इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए और ये एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन कि आपको ड्वार्फ प्लानिट्स का नाम लिखने के लिए पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे एक नंबर में प्लूटो सेकंड नंबर में एरिस थर्ड नंबर में मेकमेक फोर्थ नंबर में हाउमिया और फाइव नंबर में सेरेस इस तरह से ये फाइव ड्वार्फ प्लानिट आपको अलग से आपको नोट करना है और इसे याद करना है बुक में भी इसे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि जब आप इसे पढ़ें तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसे याद करते चलें इसे आप नोटबुक में भी नोट करें और इस तरह से हमने आपको एट क्वेश्चन इस चैप्टर में आ, हमने आपको बताया आप इसे नोटबुक में नोट कर लिए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो आप इसे नोट कर लें और इसे याद करते चलें इस चैप्टर को और एक बार हम इसी चैप्टर में जो भी प्लान्स हैं एट प्लानिट्स का हमने यहां पर इंग्लिश और हिंदी उसका नेम लिख दिया है आप इसे नोट कर लीजिए हमने लिखा है देयर आर एट प्लानिट्स इन आवर सोलर सिस्टम दीज आर फॉलोइंग वन नंबर में मरकरी बुध सेकेंड नंबर में भेनस शुक्र थर्ड नंबर में अर्थ पृथ्वी फोर नंबर में मार्स मंगल फाइव में जुपिटर बृहस्पति सिक्स में सेटन सनी सेवन में यूरेनस अरुण और एट नंबर पे नेपच्यून वरुण इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे